किसान भाइयों नमस्कार। आप लोग प्रत्येक साल सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में जो प्रदर्शन प्लॉट लगाया जाता है उन्नत प्रजातियों का या उन्नत उत्पादन तकनीकी का, उसको देखने आते हैं। अभी फसल ऐसी स्थिति पे है कि इसमें फलियां नहीं लगी है। मैं इस प्रदर्शन प्लॉट के बारे में आपको प्रारंभ में ये जानकारी दे दूं, 27 जून की इसकी बोनी है और लगभग आज की तारीख में यानी कि आज 3 अगस्त 2022 को 35 दिन के लगभग की ये फसल हो गई है। जो हरेक 5 कतारों के बाद में नालियां देख रहे हैं, इसका मतलब 5 कतारों की जो हमारी BBF सीड ड्रिल है उससे हमने बोनी करी है। कुछ किस्मों में फूल आने की अवस्था प्रारंभ हो गई है। हम एक एक करके वैरायटी के बारे में हम जानेंगे। तो 27 जून की बोनी और इसमें अभी तक क्या क्या छिड़काव किया गया है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो इसमें जो खाद का या उर्वरकों का प्रयोग किया गया है, हमने यूरिया, SSP और म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 3 प्रकार के खाद इसमें डाले हैं जिसमें कि सल्फर को अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो और उसके बाद में बोनी के तुरंत बाद उपयोगी जो खरपतवार नाशक है डाइक्लोसुलम, 27 की बोनी है, 28 जून को हमने इसका छिड़काव किया था। और इसके अलावा अभी तक इस फसल में किसी प्रकार के रसायन का, चाहे कीटनाशक हो या खरपतवार नाशक हो, इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। केवल एक बार हमने जो डोरा है, कुल्पा है, वो चला लिया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप जो अभी इस समय पे जो पहली किस्म देख रहे हैं इसका नाम है NRC 130, जो कि 2021 यानी पिछले साल का इसका नोटिफिकेशन है। पकने की अवधि इसकी आमतौर पे 92 दिन लिखी है। आप देख रहे हैं इस समय पे फूल आने की अवस्था में है। बैंगनी रंग के इसके फूल आते हैं और इसके गोलाकार पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं। इसको जो फलियां लगेगी चिकनी फलियां लगती है, इसमें कोई रोए किसी प्रकार के नहीं होते हैं। तो ये पहली किस्म है NRC 130 और ये कम समय में पकने वाली ये किस्म है। किसान भाइयों, ये जो दूसरी किस्म प्रदर्शन प्लॉट में लगी है इसका नाम है NRC 138। ये भी पिछले साल यानी कि 2021 में इसका नोटिफिकेशन हुआ था। ये भी कम समय में पकने वाली एक किस्म है। 93 दिन में ये पकने की इसकी अवधि बताई गई है। आप देख रहे हैं ये भी इस समय पे फूल की अवस्था में आ गई। यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, आप देखें यहाँ पे सफ़ेद रंग के फूल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और पत्तियों का आकार भी आप देख रहे हैं। और ये भी कम समय में पकने वाली वैरायटी है। इसकी जो उत्पादन क्षमता बताई जा रही है 29 क्विंटल प्रति हेक्टर। और ये भी कई किसानों द्वारा ये पसंद की जा रही है, इसकी भी काफ़ी डिमांड चल रही है। और मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित है जिसमें कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, गुजरात है, वहाँ के किसान इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय पे आप देख रहे हैं NRC 142, पिछले साल का ये इसका नोटिफिकेशन है। इसकी जो अवधि बताई गई है 96 दिन के आसपास की इसकी बौद्धि अवधि है। इसका मतलब कम समय में पकने वाली एक किस्म है। 28 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उत्पादन क्षमता बताई गई है। और ये जो है डबल की नल ये वैरायटी है, यानी कि इसमें KTI भी नहीं है और लिपोक्सीजिनेज एसिड 2 वो भी इससे मुक्त है। बैंगनी रंग के इसमें फूल आते हैं। चूँकि इसमें कहा जाता है कि 40 दिन के आसपास ही फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं और इस समय पे 35 दिन की हमारी फसल है, तो ये इसमें फूल अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। पत्तियों का आकार इसका देख ले, 2-4 दिन में इसके फूल लगना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अगला जब मैं आपको वर्चुअल भ्रमण करूँगा तब आप इसको देख पाएंगे, वैरायटी NRC 142। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसका नाम है NRC 150। 150 जो NRC की जो किस्म है ये कम समय में पकने वाली किस्म की श्रेणी में आती है। 90 दिन इसकी पकने की अवधि बताई गई है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फूल लगना इसमें प्रारंभ हो गए हैं।
सफ़ेद रंग के फूल इसमें आते हैं और इसकी भी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है। फसल की इस समय पे स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। पत्तियों का आकार भी आप देख रहे हैं, फूल भी आप देख रहे हैं और फसल की स्थिति इस समय पे आप देख सकते हैं। आप इसका भी मध्य क्षेत्र के लिए जो अनुशंसा की गई है और आप इसका अपने खेती में बोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी इस समय पे आप देख रहे हैं प्रदर्शन प्लॉट में, पांचवी वैरायटी है। इसका नाम है NRC 152 और ये जो किस्म है इसी साल यानी कि 2022 में आइडेंटिफाई हुई है। इसका नोटिफिकेशन होना अभी बाकी है। कम समय में पकने वाली श्रेणी में इसकी आती है। केवल 90 दिन की इसकी पकने की अवधि बताई गई है और आप देख रहे हैं बहुत ही इसमें फ्लावरिंग अभी शुरू हुए, कुछ दिन हो गए हैं और बैंगनी रंग के फूल इस समय पे आपको दिखाई दे रहे हैं इस किस्म में। और आने वाले समय में ये वैरायटी भी आपके पास में इसकी बीज श्रृंखला में पहुंच जाएगी। क्योंकि ये पहला साल है, नोटिफिकेशन अभी होना बाकी है, तो बीज इसका उपलब्ध शायद नहीं हो पाएगा। इस साल शायद इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाएगा, फिर उसके बाद में आपके पास ये वैरायटी आ जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं NRC 152 90 दिन की ये किस्म है, मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी इस समय पे आपको दिखाई जा रही है इसका नाम है NRC 127। देश की प्रथम KTI फ्री किस्म है, अपोस्टिक कुनिट्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर से मुक्त। मध्य क्षेत्र के लिए इसकी अनुशंसा की गई है। थोड़ी सी मध्यम अवधि की यह किस्म है, 102 दिन यानी 100 के आसपास इसकी परिपक्वता अवधि बताई गई है। उत्पादन क्षमता इसकी बहुत अच्छी है और ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश और गुजरात राजस्थान में पॉपुलर हो रही है। और जब हम इसके खाद्य उपयोग की बात करते हैं तो ये एक खाद्य गुणों के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है NRC 127। इसमें अभी फूल लगना प्रारंभ नहीं हुए हैं, हालांकि मैंने आपको बताया कि 35 दिन की किस्म है, दो चार दिन में या एक दो दिन में देखते हैं इसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं NRC 127। किसान भाइयों, ये जो किस्म आपको इस समय पे दिखाई दे रही है NRC 128 है और इसकी अनुशंसा जो है पूर्वी क्षेत्र उसके छत्तीसगढ़ है, बिहार है या आपका पश्चिम बंगाल है, उन क्षेत्रों के लिए की गई है। ये 105 दिन के आसपास ये परिपक्व होती है। 28 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उत्पादन क्षमता यहाँ पे बताई गई है और अभी इसमें फूल लगना प्रारंभ नहीं हुए हैं। आप कुछ दिनों में इसके ऊपर फूल लगेंगे, आपको फिर से फसल की स्थिति से अवगत किया जाएगा। NRC 128 पूर्वी क्षेत्र के लिए। किसान भाइयों, प्रदर्शन प्लॉट में आठवीं वैरायटी इस समय पे आप देख रहे हैं NRC 136 पूर्वी क्षेत्र के लिए ये अनुशंसा की गई है। आप इसका पौधा देखिए, अभी इसमें फूल लगना प्रारंभ नहीं हुए हैं क्योंकि ये 100 से अधिक दिन की वैरायटी लगभग 107 दिन में परिपक्व होने के बारे में इसकी जानकारी है। उत्पादन क्षमता पूर्वी क्षेत्र में बहुत अच्छी है, 31 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी बताई गई है। देख रहे हैं NRC 136। किसान भाइयों, अगली वैरायटी है JS 2172। ये इसी साल यानी कि 2022 में इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, नोटिफिकेशन होना इसका अभी बाकी है। नई वैरायटी है बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से ये विकसित हुई है। मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसा की गई है और इसकी परिपक्वता अवधि बताई जाती है 97 दिन के आसपास और उत्पादन क्षमता जो है 21-22 क्विंटल औसत बताई गई है। आप इससे ज़्यादा आप मान सकते हैं, बिल्कुल नई किस्म है JS 2172। अभी इसमें फूल नहीं आए हैं, कुछ दिन में इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाएगा, तब कुछ दिन बाद में मैं दोबारा से आपसे बात करूँगा। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसा इसकी की गई, नाम है विहिमसो 1689, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से
इसका विकास हुआ है हमारा ये SRPS सेंटर। और ये इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी अभी तो मेरे पास नहीं, लेकिन आप ये इसका पौधा देखिए, फूल लगना इसमें प्रारंभ नहीं हुआ है। मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसा की गई, इसका मतलब जो प्रचलित किस्में हैं उनके उत्पादन क्षमता से बराबर या उससे अधिक तो होगा ही। और जैसे कि देख रहे हैं कि मध्य क्षेत्र में 100 110 के दिन के आसपास तक की भी वैरायटी चल जाती है, तो इसकी अब हम देखेंगे। फिलहाल तो इतनी ही जानकारी है, वैरायटी का नाम है हिमसो 1689। किसान भाइयों, ये वैरायटी आप देख रहे हैं RVSM 2011-35। पिछले साल यानी कि 2021 में इसका नोटिफिकेशन हुआ था, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से इसका विकास हुआ है। 98 दिन के आसपास में ये पककर तैयार हो जाती है, बैंगनी रंग के फूल इसमें आते हैं। अभी फ़िलहाल तो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, एक दो दिन में शायद इसमें वैसे कर रहे तो बन गए हैं, फूल लगना प्रारंभ हो जाएंगे। ये एक नई किस्म है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए और मध्य क्षेत्र के जितने भी अपने क्षेत्र हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, विदर्भ का भाग हो या बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, तो उसके लिए एक उपयुक्त किस्म है RVSM 2011-35। ये जो किस्म आपको दिखाई दे रही है RSC 1046, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ जो रायपुर सेंटर है वहाँ से विकसित हुई है। 98 से 107 दिन इसकी परिपक्वता अवधि बताई गई है, मतलब देरी से पकने वाली ये जो किस्म है, और 25 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उत्पादन क्षमता बताई गई है। मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित है RSC 1046। ये भी वैरायटी RSC की ही है, इसका जो नाम है RSC 1052। मध्य क्षेत्र के लिए ही इसकी अनुशंसा की गई है। ये भी लगभग 100 दिन के आसपास 99 से 103 दिन में परिपक्व होने की इसकी सूचना है। 26 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उत्पादन क्षमता है, थोड़ी सी देरी से पकती है। मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित है, छत्तीसगढ़ से विकसित हुई है RSC रायपुर, हमारे सेंटर है ICRPS का वहाँ से। किसान भाइयों, 14 वैरायटी जो कि हमारे प्रदर्शन प्लॉट में लगाई गई है इस साल, तो उसमें अंतिम वैरायटी है जो इस समय पे आप देख रहे हैं AMSMB 100-39, और जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला का जो हमारा अमरावती में जो सेंटर है सोयाबीन संशोधन केंद्र, उसके द्वारा विकसित एक किस्म है। और जो इसका जो रिलीज नेम है अंबा, 97 दिन के आसपास इसकी परिपक्वता अवधि होती है, 21 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उत्पादन क्षमता देखी गई है। और 14 वैराइटीज इसमें लगाई है, BVF पद्धति से लगाई है, लेकिन एक खास चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि हर एक जो BVF से जो नाली बनती है वहाँ पे हमने सुवा जो है वो लगा के रखा है, सुवा की फसल। इससे ये होता है कि जो जितनी भी पत्ती खाने वाली इली या कोई और कीड़े हैं तो वो इसके ऊपर आकर्षित होते हैं, इसके ऊपर वो फीड करते हैं। इसकी पत्तियाँ रसीली होती है सोयाबीन की पत्तियों की तुलना में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें करेंगी और हमारी सोयाबीन की फसल को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये एक ट्रैप फसल के रूप में हमने इसका उपयोग किया है।